स्पीड ब्रेकर है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फिर एक नई वीडियो के साथ, नए स्टूडेंट के साथ। बहुत एक्साइटेड है स्टूडेंट, क्योंकि कार चलाना इनकी नीड है और ज़रूरत भी है, क्योंकि डेली इनका करीब 50 किलोमीटर जाना 50 आना डेली का रूटीन है जहाँ पे ये जॉब में है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप वो आप तक पहुँच सके और आप उसके बारे में सीख सकें, समझ सकें। क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंड में समझ में आता है। क्या नाम है आपका मैडम? अर्चना सिंह। ओके, कहाँ से आती हैं आप? कल्याणपुर लखनऊ से। कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? सिक्स डेज है। सिक्स डेज में आपने कौन कौन से रूट पे कार को चलाया और कौन कौन से गियर में चलाया है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? जी जी जी। अभी किस रूट पे चल रहे हैं आप? बादशाह नगर से फैज़ाबाद रोड सीधा जाना है स्ट्रीट भूतनाथ की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सामने बड़ा सा ट्रक आ गया, आप क्लच दबा के पहले गियर में कर लो इसको। हाँ, चलो जाओ धीरे से, धीरे धीरे। ये डिवाइडर रोड है, डिवाइडर रोड पे चलाना बहुत इजी होता है, सिंगल रोड पे चलाना बहुत टफ होता है। टू वे रोड जो होता है वो बहुत आसान होता है। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रैफिक में जो डबल रोड पे जो ट्रैफिक होता है, चेंज करो, सेकंड गियर करो, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, जाने दो। ठीक है, जो आपका लेफ्ट वाला लेग है ये ऊपर अभी एकदम परफेक्ट तरीके से, जो आप देखो नीचे डायरेक्शन पे, जो ये हमेशा टो होना चाहिए चुटकियों से पैर को, जैसे चुटकी नहीं किसी चीज़ को पकड़ते हैं वैसे क्लच को हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, स्टीयरिंग 3 और 9 पे है। क्या ज़बरदस्त आपने स्टीयरिंग पकड़ रखी है, एकदम परफेक्ट ड्राइवर की तरीके से, गुड। अभी हम लोग को अगले चौराहे से लेफ्ट चलना है। ठीक है, अगले चौराहे से लेफ्ट 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, ऊपर को सिग्नल दीजिए, वेरी गुड। और राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आइए, हाँ प्रॉपर, कंफ्यूजन में नहीं, प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको श्योर हो कि आपका पैर ब्रेक पे ही है। ठीक है, अभी वहाँ पे हम लोग को आगे मेट्रो के पुल के नीचे से लेफ्ट टर्न करना है। ट्रैफिक भी है, ऑटो भी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है और फ्लैग पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चले आपकी गाड़ी की चौड़ाई क्या है। बस यहीं से धीरे धीरे लेफ्ट, साइड वाले मिरर में आपने देखा लेफ्ट साइड, हल्का राइट रखो धीरे धीरे, और राइट थोड़ा, बस जाने दो, वेरी गुड, जाने दो धीरे धीरे, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए करे ना, तो जब आप एक्सीलेटर वाला पैर ब्रेक पे ले आती हैं और ट्रैफिक है, तो वहाँ पे हाफ क्लच ले लिया करो। हाफ क्लच का मतलब ये है कि जब हाफ क्लच आप दबा लोगे तो आपकी गाड़ी जो अभी सेकंड गियर में प्रॉपर इंजन पूरी ताकत लगा रहा है, तो वो थोड़ी सी स्पीड कम कर देगा। एक्सीलेटर तो लेना ही नहीं है, राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे आना चाहिए और लेफ्ट वाले से क्लच इस्तेमाल कर लेना है। थोड़ा सा अभी दबाइए, क्लच दबाओ थोड़ा सा, क्लच और ब्रेक पे पैर ले आओ, गियर क्यों पकड़ रही हैं, क्लच दबाओ थोड़ा और, हाँ थोड़ा सा, अब ब्रेक लो हल्का हल्का ब्रेक। अब इसको कहते हैं हाफ क्लच, छोड़ो क्लच, ब्रेक छोड़ो, हाँ जाओ धीरे 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 धीरे, गाड़ी रेंग रही है तो अभी मूव कर जाएगी, जाने दो। ठीक है ना, पूरा क्लच नहीं दबाना है हमको, यही तो सीखना है कि क्लच कितना हाफ होता है कितना फुल होता है। अभी लेफ्ट लेके आओ कार आप थोड़ी सी, शीट, आपने शीशा क्यों नहीं देखा था? नहीं नहीं नहीं, कार कौन चला रहा है? आप चला रहे हो ना, कुछ भी अचानक नहीं होता है, अचानक इसलिए होता है क्योंकि हमारी नज़र नहीं गई है, हमारी नज़र हट गई इसलिए हमको अचानक लगता है, बाकी अचानक कुछ भी नहीं होता है। अगर हम पहले से 100 मीटर फ्रंट 100 मीटर बैक साइड का फोकस रखते हैं तो कुछ भी अचानक नहीं होता। अभी लेफ्ट का सिग्नल दीजिए आप, हाँ, और धीरे धीरे लेफ्ट आ जाओ साइड मिरर में देख के, वो गलती आपकी थी कि आपने साइड मिरर नहीं देखा था, और लेफ्ट आओ, हाँ अब पूरा क्लच दबाओ धीरे से ब्रेक, हाँ गाड़ी स्टॉप हो गई है प्रॉपर। अभी कौन सी गियर में है ये? सेकंड। तुम गाड़ी को रोक तो किसी भी गियर में सकते हैं, वापस उसको बढ़ाने के लिए कौन सा गियर होना चाहिए? फर्स्ट। फर्स्ट गियर डालो, हो गया। अभी पहले क्या रिलीज करोगे आप? क्लच।
पहले ब्रेक, क्योंकि ब्रेक दबा होगा और गाड़ी क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी तो झटके मार के बंद हो जाएगी। तो अभी आप थोड़ा सा पहले ब्रेक छोड़ो, हाँ बस पैर उसी पे हो, हल्का सा क्लच छोड़ो, एड़ी नहीं उठनी चाहिए, शिफ्टो बस, बस इससे अब में ही छोड़ना है क्लच, उतना क्लच दबा के रखो। अब आपका क्लच कितना है, इसको कहते हैं हाफ क्लच। फिर क्लच दबाओ पूरा, ब्रेक मारो, हाँ फिर ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, अब थोड़ा सा क्लच, बस इसको कहते हैं हाफ क्लच, समझ रहे हैं? देख रहे हैं आपका पैर, इसको आपको फील करना है कि हाफ क्लच किसको कहते हैं। क्लच का ही तो बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए होती ना, वैसे ही गियर को कंट्रोल करने के लिए, इंजन को कंट्रोल करने के लिए क्लच समझना पड़ेगा। ये है हाफ क्लच, आप इस साइड देख सकते हैं दोस्तों कि हाफ क्लच का कितना बड़ा रोल है। ये तो ब्रेक हो गया और ये क्लच है। अब क्लच और ब्रेक में देखो कितना डाउन है, क्लच कितना डाउन है, इसको हाफ क्लच कहते हैं। अब पूरा क्लच छोड़ दो, छोड़ो पूरा क्लच, हॉर्न मारो, पूरा क्लच रिलीज कर दिया। अब देखो दोनों पैंडल बराबर आ गए हैं। ये होता है फुल क्लच और हाफ क्लच, फिर दबाओ क्लच, ये होता है हाफ क्लच, फुल दबा लिया आपने, थोड़ा छोड़ा सा, हाँ ये हाफ क्लच है। और जब भी आप क्लच को रिलीज़ किया करो तो झटका नहीं लगना चाहिए, एड़ी जो है वो नीचे दबी रहनी चाहिए। हमको 50% अपने पैर को रोकने में ताकत लगानी है और 50% क्लच को रिलीज़ करने में। एक बार लेफ्ट और लेके आओ, साइड मिरर में देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, सिग्नल दिया लेफ्ट का आपने, बंद करके दोबारा दो वापस, हाँ अब लेफ्ट आओ और थोड़ा लेफ्ट आओ और हाँ और लेफ्ट आओ, बस रोको पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, रोक दिया अब गाड़ी रुक गई। अब वापस फिर बढ़ाना है तो क्या करना है, पहले ब्रेक को रिलीज करो, अब धीरे से क्लच, स्टीयरिंग दोनों हाथ से पकड़ो, गियर को छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर झटके से छोड़ा आपने क्लच, झटका लगा नहीं लगा, यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हल्का लेफ्ट आओ और थोड़ा सा लेफ्ट आओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे। ये साइड मिरर में आपको नज़र आ रहा है कि अगल बगल कौन चल रहा है, जाने दो धीरे धीरे, बढ़ाओ स्पीड, अभी एक्सेलेटर करो, जाने दो, अब एक्सेलेटर वाला पैर ब्रेक पे लाओ, फटाफट क्लच दबा के सेकंड गियर, वेरी गुड, जाने दो, गुड। आपका देखो स्टीयरिंग का कमांड सही है, सिग्नल बंद कर लो, अब ऑटो कट होता है, जब टर्निंग पे दोगे तो बंद हो जाएगा और अगर सीधा सीधा दोगे तो आपको बंद करना पड़ेगा। स्पीड लिमिट में रखो, ज़्यादा भगाना नहीं है, सामने स्पीड ब्रेकर है, वो सीवर का ढक्कन है, ध्यान रखो, नज़र आपकी सामने रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है, चलते रहो। अभी देखो यहाँ पे टी पॉइंट आ रहा है सर्वोदय नगर वाला, यहाँ पे एक बार लॉन्ग हॉर्न देना, चारों तरफ आपको नज़र रखना है कि सामने से दाएं बाएं से कोई आ तो नहीं रहा है, बस वेरी गुड, जाने दो धीरे धीरे, बस बस बस, ने तो होलसेल में दे दिया हॉर्न, बस धीरे से लेफ्ट आ जाओ ताकि जो भी राइट साइड से गाड़ियाँ आएँ वो निकलती रहें, ताकि आपको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आप लर्नर हो, अगर आप बीच रोड पर चलाओगे तो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, क्या करेंगे, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, अभी आगे चौराहे से हम लोग को लेफ़्ट जाना है, तो उसके लिए 100 मीटर पहले आपको सिग्नल देना है, लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए, साइड मिरर में नज़र मारी लेफ़्ट वाले में कि आपके अगल बगल कौन चल रहा है, क्योंकि कई बार सिग्नल देने के बाद भी लोग लेफ़्ट से ओवरटेक करने लगते हैं, तो जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। अभी वहाँ पर आपको हाफ क्लच लेना है, हाफ और थोड़ा सा, हाँ अब थोड़ा सा ब्रेक, 5 से 10% ब्रेक, हाँ अब यहाँ से हमको लेफ़्ट जाना, हॉर्न मारिए, गुड टर्न करो, अब ये सेकंड गियर में कार आपकी मूव कर गई, सीधी करो, अगर आप हाफ क्लच नहीं लेते तो गाड़ी की स्पीड बड़ी रहती, मतलब बगैर एक्सेलेटर के वो 20 की स्पीड में दौड़ती, तो आपने हाफ क्लच ले लिया तो गाड़ी सेकंड गियर में वो 10 की स्पीड में आ गई, जिससे कि आपकी गाड़ी आसानी से मूव कर गई। अगर आप क्लच नहीं लेती, खाली ब्रेक लेती तो इंजन वाइब्रेट करने लगता है, इंजन झटके मारने लगता है, इसलिए हाफ क्लच लेना ज़रूरी होता है। और अगर हम हाफ क्लच लेते हैं और एक्सेलेटर लेते हैं तो हमारे क्लच पे लोड पड़ता है, अगर हम हाफ क्लच लेते हैं और क्लच का एक्सेलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे क्लच पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अभी स्पीड बढ़ा लीजिए, जाने दीजिए, ये ग्रिप में क्यों बांध रखा है, स्कूटी की तरह क्यों पकड़ रखी स्टीयरिंग, मैंने क्या बोला, अंगूठा छोड़ो, अंगूठा हटाओ, हाँ ये ऐसे पकड़ना है ढीले हाथों से, एकदम पेन की तरीके से, इसको एकदम टाइट नहीं करना है, ग्रिप नहीं बनाना है, ठीक है, हॉर्न मारिए, सामने चौराहा है, गुड, बस धीरे धीरे जाने दो, आराम से स्लो कर लो थोड़ा, हमको पहले से गाड़ी थोड़ी, कुछ लोग क्या करते हैं ना, भगा लेते हैं, जब देखिए एकदम सामने ट्रैफिक गाड़ी आ गई तब ब्रेक मारते हैं, हमें 50 से 100 मीटर पहले से जब हम देख के चलेंगे ना, तो अगर कोई बंदा कोई क्रॉस कर रहा है उसकी
दूरी को हम जजमेंट कर लेते हैं कि इसकी दूरी क्या है, हमारी दूरी क्या है, हमारी गाड़ी कितनी देर में वहाँ पहुँचेगी, तो हम उस टाइप से अपनी गाड़ी को पहले से स्लो कर लेते हैं। अब जैसे सामने देखो चौराहा आ रहा है, हल्का राइट रखो, हाँ सामने चौराहा आ रहा है, चौराहे पे क्या करना, पहले से चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा क्लच और ब्रेक पे, राइट वाला पैर ब्रेक पे ले आएंगे, एक बार लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, बस थोड़ा ब्रेक लगाइए क्योंकि स्पीड ब्रेकर है। यहाँ देखो थोड़ा ऊंचाई है, ये देखो गाड़ी कूदी ना और नीचे एकदम डाउन है, देखो 2 फीट ये गई गाड़ी नीचे गड्ढे में। तो ये चीज़ हम पहले से जब ध्यान देंगे तो हमारी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। और तेज चलाना कोई कला नहीं है, क्या नाम बताया था आपने, रचना जी, जितना आप स्लो चलाओगे ना उतना ही चीज़ें जल्दी पिक कर पाओगे। अब देखो यहाँ गड्ढे में कूद रही है, आपका पैर कहाँ आना चाहिए था, ब्रेक पे आया था नहीं आया था, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। सामने खड्डा दिख रहा है तो आपका पैर ब्रेक पे आ जाना चाहिए एमरजेंसी के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको ब्रेक ही लेना पड़ेगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि हमको ब्रेक लेना नहीं है बट हमारा पैर ब्रेक पे आना ज़रूरी है, जिससे कि अचानक अगर ज़रूरत पड़े तो हम ब्रेक ले सकें। जो एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर लाना होता है वही सबसे ज़्यादा टफ होता है, उसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है, पैर हमारा एक्सीलेटर पे रहता है, सोचते हैं हम ब्रेक हैं और दबा देते हैं, बस ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। जाने दो धीरे धीरे, गुड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।